सृष्टि के आरंभ से पहले जो था वह राहु है, सृष्टि के अंत के बाद भी जो होगा वह राहु है। सृष्टि निर्माण के बाद वर्तमान की अगर बात करें तो जिस ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव है वह भी राहु है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राहु को शून्य का कारक माना गया है। सृष्टि के आरंभ से पहले भी शून्य था, सृष्टि के अंत के बाद भी शून्य ही होगा। यह सृष्टि शून्य से जन्म लेकर शून्य में ही विलीन होती है। कहने को ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की अवधारणा है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से देखें तो मात्र 7 ग्रह ही अस्तित्व में हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, इनका प्रत्यक्ष रूप से कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि शून्य का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। शून्य अपने आप में वह क्षमता रखता है जिससे सब कुछ जन्म लेता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। राहु को इच्छाओं का कारक माना गया है। इस सृष्टि का जन्म भी एक इच्छा से हुआ है और सृष्टि का संचालन भी एक इच्छा से ही हो रहा है। हर प्राणी के जीवित रहने के पीछे एकमात्र जीने की इच्छा है। जिस प्राणी के अंदर जीवन की इच्छा समाप्त हो जाए उसकी तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी। इस जीवन का कारण ही इच्छा है और इच्छाओं का कारक राहु होने के कारण हर जड़ चेतन पर राहु कंट्रोल रखता है, क्योंकि राहु के प्रभाव से ही इच्छाओं का जन्म होता है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में छाया माना गया है। हर चेतन और जड़ पदार्थ की अपने आप में कोई छाया होती है। वह जो छाया है जो हमारे साथ हर क्षण चल रही है, जो हर समय हमें हमारे होने का आभास कराती है, वह राहु ही है। तो कह सकते हैं कि राहु के बिना इस चराचर जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस चराचर जगत में जीवन का ही कोई अस्तित्व नहीं है। राहु ही जन्म का कारक है और राहु ही मृत्यु का कारक है। राहु से ही जन्म मिलता है और यह भी वास्तविकता है कि राहु के प्रभाव से ही मृत्यु आती है। नाड़ी ज्योतिष में जब हम किसी पुरुष जातक की या स्त्री जातक की मृत्यु का विश्लेषण करते हैं, तब ऐसे में जो गोचर देखा जाता है, जो प्रोग्रेशन देखा जाता है, जो प्रभाव देखा जाता है, वह राहु का ही देखा जाता है। क्योंकि राहु को यम माना गया है, काल माना गया है। काल से ही सब कुछ जन्म लेता है और काल में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। इसलिए नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि जब तक जन्म कुंडली में राहु केतु की स्थिति स्पष्ट ना हो, जब तक ग्रहों पर राहु केतु का प्रभाव स्पष्ट ना हो, तब तक किसी भी जन्म कुंडली का फलादेश नहीं किया जा सकता। व्यक्ति की आयु हो अथवा व्यक्ति का पर्सनल स्टेटस हो, व्यक्ति के जीवन में आने वाली अच्छी बुरी घटनाएं हो, सभी पर राहु केतु का कंट्रोल होता है। राहु ही वह ग्रह है जो कि व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों पर ले आता है, और राहु ही वह ग्रह है जो व्यक्ति को गंभीर दुख देता है। ज्योतिष में राहु को काल कहा गया है। काल जो कि था, है और रहेगा। काल अर्थात भगवान विष्णु, क्योंकि काल पुरुष की संज्ञा भगवान विष्णु को दी गई है और राहु को काल कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उसके बाद ही इस संपूर्ण सृष्टि का ब्रह्मा जी ने सृजन किया। जब हम काल पुरुष की अवधारणा ज्योतिष में पढ़ते हैं तब वहां पर श्री नारायण का ही चित्र प्रदर्शित किया जाता है। तो श्री नारायण के उस चित्र के पीछे, उस अवधारणा के पीछे भी अगर कोई है तो वह है राहु ही। हालांकि राहु केतु के बारे में एक पौराणिक कथा मिलती है कि स्वर्णभानु नाम का एक राक्षस था जिसने समुद्र मंथन के समय चोरी से अमृत पान करने की कोशिश की, तब भगवान श्री नारायण के मोहिनी अवतार ने स्वर्णभानु का धड़ सर से अलग कर दिया, तब दो राक्षस उत्पन्न हुए, सर राहु और धड़ केतु। यह पौराणिक कथा अपने आप में राहु केतु के एक दूसरे स्वरूप को दिखाती है जिसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, किंतु एक इस पौराणिक कथा से अलग हटकर देखें तो राहु केतु का जो करैक्टर है, राहु केतु की जो क्वालिटीज़ हैं, वो दिखाती हैं कि राहु था, है और रहेगा।
क्योंकि हमारी छाया हमारे जन्म के साथ ही होती है। तो हर समय हमारे साथ राहु चलता ही चलता है। राहु अंधकार भी है। जब सूर्य नहीं था तब भी अंधकार था, जब सूर्य नहीं होगा तब भी अंधकार ही होगा। तो यह कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं कि इस संपूर्ण संसार का संचालन कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में ही हो रहा है। राहु की किसी भी जन्म कुंडली में किस भाव में स्थिति है, किस भाव पर किस प्रकार का प्रभाव है, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि राहु के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, किन राशियों का प्राव है, उससे राहु केतु की एग्जैक्ट क्वालिटी पता चलती है। किंतु राहु जैसा कि मैंने कहा इच्छा है, इन्फिनिटी है। तो ऐसे में किसी भाव में बैठकर भी राहु केतु बहुत ही प्रबल प्रभाव देते हैं और व्यक्ति के जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को किसी राशि विशेष का आधिपत्य नहीं दिया गया है। अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत रखते हैं राहु केतु की राशि के विषय में, उनकी उच्च नीच राशियों के विषय में और राहु केतु के प्रभाव के विषय में। किंतु वास्तविकता यह है कि सभी विद्वान यह कहते हैं कि राहु केतु की अपनी कोई फिक्स राशि वास्तव में नहीं है। ये जिस राशि जिस भाव में बैठते हैं उसके गुण अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ के हिसाब से उस भाव को कंट्रोल करते हैं, उस भाव के गुणों में वृद्धि भी करते हैं और उस भाव के गुणों में क्षय भी करते हैं। लग्न में जब किसी जातक के राहु बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु स्वार्थ का कारक भी है, इच्छा का कारक है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जातकों की इच्छा बहुत प्रबल होती है, कुछ भी करने की इच्छा। अब आप देखेंगे जब किसी जातक का राहु लग्न में बैठेगा तो उसके सप्तम भाव में केतु बैठेगा, और जिस जातक के सप्तम भाव में केतु हो आप उस जातक की मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, या फिर ऐसा व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता। अब क्यों? क्योंकि लग्न में बैठा हुआ राहु व्यक्ति की इच्छाओं में विस्तार कर रहा है, इच्छाओं में इतना विस्तार कर देता है कि वह जातक अपने जीवन के साथ जीवन साथी के साथ भी संतुष्ट नहीं हो पाता। राहु ओवल शेप को भी दिखाता है, जैसे कि मैंने शून्य है। तो आप देखेंगे जिस भी जातक के लग्न में राहु है उस जातक का चेहरा एकदम गोल होगा। ऐसा जातक अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा। अब राहु का प्रभाव है कि वो आपको गोल चेहरा दे रहा है, कई बार बॉडी भी पूरी गोल दे देता है, पूरा गोल सा बना देता है। इसलिए अगर ऐसे ज़्यादा अपने शरीर पर काम ना करें तो बहुत थुलथुल से हो जाते हैं, बहुत मोटे से हो जाते हैं, और अगर काम करें तो यही राहु उनके चेहरे पर एक गजब का आकर्षण देता है, एकदम गोल सा चेहरा बनाएगा और उस पर आकर्षण भी देगा। राहु जब लगन में बैठेगा तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा मेटरलिस्टिक होंगे, क्योंकि राहु एक्स्ट्रोवर्ड है। राहु केतु दो अलग अलग नेचर को शो करते हैं। जहाँ केतु किसी इंसान को इंट्रोवर्ट बनाता है, वहीं राहु पूरी तरह से एक्स्ट्रोवर्ट बनाता है, क्योंकि राहु इच्छा है। अब इच्छा होगी तो आप चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से नहीं सोचोगे, आप भोगने की कोशिश करोगे। तो लग्न में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को एक्स्ट्रोवर्ट बनाता है, और इसलिए ऐसे जातक का पूरा जीवन का केंद्र संसारिक भोग की तरफ होता है। लग्न में अगर राहु किसी व्यक्ति के बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप पर इतना ज़्यादा फोकस्ड होता है, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है कि उसे कभी भी दूसरों की कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती। अब लग्न में राहु बैठा है तो निश्चित तौर पर आपको विस्तार की क्षमता देगा। लग्न में अगर राहु बैठा है, शुभ प्रभाव में बैठा है, और अगर राहु पर गुरु जैसे या शुक्र जैसे किसी ग्रह का प्रभाव आ गया तो ऐसे में व्यक्ति को ज्ञान की हाइट्स दे देगा, ज्ञान की ऊंचाइयां दे देगा, धन की ऊंचाई दे देगा, सफलता। ऐसे व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि सफलता तो मेरी दासी है, क्योंकि राहु लग्न में बैठा है तो अहंकार भी देगा। अगर बलि होकर बैठ गया तो, अगर शुक्र के साथ बलि होकर बैठा तो आपको धन के मामले में बहुत ज़्यादा
वृद्धि कर देगा। गुरु के साथ में बैठा तो आपको ज्ञान के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कर देगा। अब वहाँ पर क्योंकि अहंकार दे रहा है तो आपको आपके ज्ञान पर, आपके रूप पर, आपके धन पर कहीं ना कहीं अहंकार देने की क्षमता रखेगा। द्वितीय भाव में अगर राहु बैठा है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की आँखें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। द्वितीय भाव में अगर राहु बैठा है तो ऐसे लोगों का फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। आप ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद, ऐसे व्यक्ति की आंखों में देखने के बाद, ऐसे व्यक्ति के चेहरे के भाव देखने के बाद आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में बैठकर चेहरे पर एक विस्तृत आकर्षण दे देता है। राहु चेहरे की जितनी भी क्वालिटीज हैं, अब आँखें, कहा जाता है कि आँखें हमारे समस्त विचारों का प्रतिबिंब है। व्यक्ति की जो मानसिक ऊर्जा है वह सबसे ज़्यादा आँखों के द्वारा संचालित होती है। द्वितीय भाव में अगर राहु बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति की आँखों में सम्मोहन पैदा कर देता है। इसलिए जब भी द्वितीय भाव वाले राहु की वाले जातक की आँखों में आप देखेंगे तो आप उससे खींचे चले आएंगे। द्वितीय भाव वाणी का भी है, ऐसे जातक की वाणी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। बहुत सारे विद्वान अक्सर ये कहते हैं कि द्वितीय भाव में अगर राहु बैठा है तो व्यक्ति की जो वाणी है वो बहुत असभ्य हो सकती है, किंतु प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि द्वितीय भाव में अगर राहु बैठा है तो जातक कई बार जल्दी बोलने वाला हो सकता है या फिर सामने वाले को टोंट मारने वाला हो सकता है, उस तरह के शब्द बोल दे कि सामने वाले को पीड़ा हो, उतना हो सकता है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा गुस्सा ही करेगा या बहुत ज़्यादा खराब ही बोलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि जन्म कुंडली में बुध की क्या स्थिति है, द्वितेश की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है। क्योंकि अगर देखें तो एक कर्कश वाणी, एक गुस्सेल वाणी, वो मंगल के प्रभाव में अधिक आती है। अगर द्वितीय भाव पर मंगल राहु दोनों का प्रभाव है तब यह स्थिति ज़्यादा बनती है कि व्यक्ति जब भी बोलेगा बुरा ही बोलेगा। द्वितीय भाव में अगर राहु बैठा है तो ऐसे लोगों को कई बार वाक सिद्धि होती है। ऐसे लोग जो बोलेंगे कई बार बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सच हो जाए, क्योंकि अष्टम भाव में केतु बैठ गया, अष्टम भाव को केतु ने एक्टिव किया, तो द्वितीय भाव के राहु ने आपकी वाणी में गुप्त ज्ञान जोड़ दिया, वाक सिद्धि हो गई। अष्टम भाव का केतु सिद्धि देने में सक्षम होता है, तो द्वितीय भाव के राहु ने आपको उस तरह की टेंडेंसी दी। द्वितीय भाव का आप अगर किसी व्यक्ति का राहु देखेंगे तो ऐसे लोगों को संचय करने की बहुत आदत होती है, पैसे का ये लोग बहुत ज़्यादा संचय करते हैं, ऐसे लोग जोड़ जोड़ कर रखेंगे। और एक क्वालिटी आप देखेंगे द्वितीय भाव में, जिस जातक का राहु है उसको आप ये बता दो कि आज ये सेल लगने वाली है, सेल में ये आइटम स्पेशल डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर 1000 रुपये का कोई आइटम सेल में 300, 400, 500 रुपये का मिल रहा है, यानी कि जो उसका प्राइस है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, तो ऐसे जातक को अगर कोई आइटम नहीं भी खरीदना था तो भी खरीद लेगा, और अगर एक की ज़रूरत है तो 3 खरीद लेगा। इस तरह की क्वालिटी द्वितीय भाव का राहु देता है, और ऐसा जातक चीज़ों को उठा उठा कर रखता है, संभाल संभाल कर रखता है, भरी भी होंगी ऐसे जातक के पास चीज़ें। द्वितीय भाव में अगर किसी जातक के राहु बैठा है तो ऐसे जातक कई बार फूडी टाइप के हो जाते हैं, उनको मिर्च मसाला, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें खाने का कई बार बहुत ज़्यादा शौक होता है। तृतीय भाव में अगर राहु बैठा है तो जातक को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आजीवन नौकरी करनी पड़े। अगर वो किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो नौकरी करनी पड़ती है, या फिर तृतीय भाव में अगर राहु बैठा है, सही प्रभाव में बैठा है और जातक ने तृतीय भाव के राहु की क्वालिटीज़ का यूज़ कर लिया, तो ऐसे जातक को सोशल मीडिया पर वायरल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है, क्योंकि थर्ड हाउस सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का भाव है, और राहु विस्तार का कारक है। सोशल मीडिया से रिलेटेड तृतीय भाव के राहु वाले जातक अगर कोई काम करते हैं, यूट्यूब पर आ जाए, इंस्टा पर आ जाए, तो उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिएगा, सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल होने के लिए, दुनिया की किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, आपका भाग्य आपका साथ देना चाहिए, स्पेशली यूट्यूब, इंस्टा, FB पर। तो आपका राहु उतना ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, आपके तृतीय भाव, छठे भाव, आपके सप्तम भाव, आपके दसम भाव या आपके एकादश भाव से, कि आपको वायरल करा सके। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोग उतने कुछ भी डाले जा रहे हैं मगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है।
अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो बहुत सारे, कई बार बहुत सारे चैनल्स ऐसे देखता हूँ, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का थोड़ा शौक़ है, तो मैं अक्सर बहुत सारे चैनल्स ऐसे देखता हूँ कि जहाँ पर एकदम टॉप क्वालिटी की क्रिएटिविटी सामने वाले के पास है और उसके पास कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं, वहीं ऐसे देखता हूँ कि कुछ भी डाल दिया उठा के, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ही डाला है। ऐसा लगता है कि भाई लोग पता नहीं किस माइंडसेट के साथ क्यों ही देख रहे हैं, और फिर भी उनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी इनकम आ रही है। तो यह स्थिति होती है जन्म कुंडली में राहु के 3, 6, 10, 11 भाव से संबंध बनाने पर, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के हाउसेज हैं। यहाँ पर राहु हाईली एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड सक्सेस दिलाता है। अगर ऐसे जातक के पास कोई हैंड स्किल है तो अपने हैंड स्किल से भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। तृतीय भाव में अगर राहु बैठा है तो यहाँ पर व्यक्ति का फ्रेंड सर्किल भी कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी इन लोगों ने डाल दिया या कुछ भी इन्होंने करा किया तो वहाँ पर इनका फ्रेंड सर्किल इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देता है और उससे ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर राहु बैठा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा रुझान होता है। इन लोगों को एक जीवन भर की एक जो उनकी प्यास होती है कि किसी भी तरह से प्रॉपर्टी खरीदो। अब कई बार यहाँ पर राहु पीड़ित बैठा है तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की बहुत बड़ी एक इच्छा होती है कि एक अच्छी बड़ी गाड़ी खरीदूँ, एक बड़ा मकान बनाऊँ, किंतु वो इच्छा ही बनकर रह जाती है, नहीं कर पाते अगर राहु पीड़ित है। और वहीं राहु अगर यहाँ पर बलि होकर बैठ गया, यानी कि मान लीजिएगा बुध की राशियों में बैठ गया, शुक्र की राशियों में बैठ गया, तो ऐसे में यही राहु इनको बहुत बड़ी कोठी दे देगा, बहुत लग्जरियस कार दे देगा। तो चतुर्थ भाव में राहु कुल मिलाकर आपको कोठियों की तरफ, मकानों की तरफ, रियल इस्टेट की तरफ, ज़मीनों की तरफ, लग्जरियस कार्स की तरफ इंटरेस्ट देगा। अब वो इंटरेस्ट आपका पूरा होता या नहीं होता वो आपके ऊपर है। अगर जिन लोगों के पास है भी, जिन लोगों को राहु ने दिया भी है, उनकी भी यह प्यास कभी समाप्त नहीं होती। जिसके जिसको नहीं दिया, जिसके पास नहीं है लग्जरियस कार, उसकी तो चलिए मानेगा एक इच्छा है कि भाई मुझे एक लग्जरियस कार खरीदनी है, मगर जिनके पास है उनकी भी इच्छा कभी समाप्त नहीं होने देता। अगर उनको एक महल भी दे दिया जाए तो भी उनकी इच्छा होगी कि भाई दूसरा महल खरीद लिया जाए। तो राहु यहाँ पर आपको इस तरह की असीमित इच्छाएं देता है। चतुर्थ भाव में अगर राहु बैठा है तो ऐसे लोगों को कई बार राहु डिप्रेशन दे देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भाव है और राहु जब यहाँ पर हाईली एक्टिवेटेड होकर व्यक्ति को डिज़ायर्स देता है तो वो डिज़ायर्स ही व्यक्ति के डिप्रेशन का काम करती हैं। क्योंकि देखिए डिप्रेशन वास्तव में है क्या, डिप्रेशन है कि जब आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो पाए और आप उसके बारे में लगातार सोचे जाएं, आपके पास जो है या आप जो पाना चाहते थे या जिससे आप प्रेम करते थे वो आपसे दूर हो जाए, तब आप डिप्रेशन में जाते हैं। तो डिप्रेशन का जो मेन रीज़न है वो हमारी इच्छाएं हैं। अब कोई व्यक्ति अगर कहें, जो आज के समय का लाइफ स्टाइल है, लोग बहुत देर तक रात को काम कर रहे हैं, सुबह को उठने का टाइम नहीं है, रात को सोने का टाइम नहीं है, दिन में खाने का टाइम नहीं है, और उसके बाद बीमार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोन ले रहे हैं अपनी कार खरीदने के लिए, अपने मकान खरीदने के लिए, और लगातार उन लोन को भरने के लिए वर्क के लिए जा रहे हैं, और उस वर्क के चक्कर में उनका मेंटल स्ट्रेस जा रहा है, तो वो सब क्यों है? क्योंकि ये आपके मन की इच्छा है। तो चतुर्थ भाव का राहु अक्सर यही करता है। चतुर्थ भाव में अगर राहु बैठा है तो जातक को हो सकता है अपनी माता का बहुत ज़्यादा सुख ना मिले। चतुर्थ भाव में अगर राहु बैठा है तो ऐसे में कई बार जातक को अपने घर से दूर भी रहना पड़ता है। हालांकि जिनको विदेश जाना है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा योग है, और जो अपने शहर में रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, उनके लिए कई बार ये बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि योग को भी देखना पड़ता है। देखिए एक चतुर्थ भाव का राहु जिनको विदेश जाना है, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी घर से दूर भेज रहा है, उनकी माँ से दूर भेज रहा है, उनकी मदरलैंड से दूर भेज रहा है, तो उनको वहाँ पर एक कंफर्ट देगा। वहीं कोई इंसान है अपनी मदरलैंड में रहना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, तो वहाँ पर राहु आपको सेट नहीं होने देगा,
क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा है, वो आपको आपकी माँ के सुख में, आपकी जमीन के सुख में, आपके घर के सुख में कहीं ना कहीं कमी करने की कोशिश करेगा। तो ये भी देखना पड़ता है कि प्लैनेट्स किस तरह से एक्ट करना चाह रहे हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। पंचम भाव में जब राहु बैठता है तो यहाँ पर व्यक्ति को कई बार संतान से बहुत ज़्यादा सुख नहीं प्राप्त हो पाता, ऐसी क्वालिटी देता है। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि संतान के लिए इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दो तरह के लोग हैं, जिनके पास संतान है उनके पास संतान का सुख नहीं है, यानी कि बेटा साथ नहीं रहना चाहता, बहू के साथ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से संतान नहीं रही, या और फिर दूसरे लोग हैं जिनको संतान प्राप्ति ही नहीं हुई। मगर दोनों ही इच्छा में क्या है, दोनों ही लोगों में क्या है, संतान की इच्छा है। जिसके पास संतान है उसको सुख नहीं मिल पाया, इसलिए संतान की इच्छा बहुत हाई लेवल पर, और जिसके पास नहीं है संतान उसको तो ऑलरेडी वो इशू है ही। तो यहाँ पर संतान के सुख की इच्छा व्यक्ति की कभी समाप्त नहीं हो पाती। पंचम भाव में अगर राहु बैठा है तो आपकी एजुकेशन में कई बार ट्रबल देते हुए पाया जाता है, और पंचम भाव का राहु मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में कई बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स देने की क्षमता रखता है, क्योंकि पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों के संचयों का भाव है। अब वहाँ पर राहु बैठेगा तो ये दिखाता है कि पूर्व जन्मों के बहुत ही हैवी कार्मिक रिलेशंस आपके एक्टिव इस जन्म में हो चुके हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ चुका है। क्योंकि राहु क्या है, आपके जितने भी हैवी कार्मिक रिलेशंस हैं उनको इंडिकेट करता है। जब हम ज्योतिष में पूर्व जन्म का एनालिसिस करते हैं तब राहु केतु को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि राहु केतु ही वह ग्रह हैं जो कि आपके पूर्व जन्मों के जो श्राप चलते आ रहे हैं, ऋण बंधन चलते आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो पंचम भाव में राहु का प्लेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पंचम भाव में अगर राहु बैठा है तो यहाँ पर अगर राहु मान लीजिएगा बुध की या शुक्र की राशि में बैठा है, जिनमें राहु बहुत ही कंफर्टेबल कंडीशन में होता है, वहाँ पर अगर बैठा है तो आपको आपके प्रेम संबंधों में सफलता देगा, अदरवाइज आपको आपके प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करने नहीं देता। ऐसे लोग कहते ना प्यासे प्रेमी, वो कंडीशन उनकी बनकर रह जाती है। मान लीजिए मंगल की राशि में बैठ गया, गुरु की राशि में बैठ गया, शनि की राशि में बैठ गया, तो प्यासे प्रेमी वाली कहानी ऐसे लोगों की बनकर रह जाती है। पंचम भाव में अगर राहु है तो मैं अक्सर ऐसे लोगों को सलाह देता हूँ कि प्रेम के मामलों में वो सावधान रहे, सोच समझ कर ही कोई डिसीज़न लें। पंचम भाव में अगर राहु है तो अगर लव मैरिज जैसे जातक की हो रही तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन। ये पंचम भाव प्रेम का है और राहु इंटरकास्ट इंटर रिलीजन को भी शो करता है, यानी कि प्रेम जो हुआ वो इंटरकास्ट हुआ, इंटर रिलीजन हुआ। सक्सेस भी होगा तो उसी कंडीशन में होगा, सेम कास्ट में अगर आप, सेम रिलीजन में अगर आप प्रेम संबंध की सफलता का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। सिक्स्थ हाउस के राहु को मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि राहु की जो पाप शक्तियाँ हैं वो सिक्स्थ हाउस में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाती हैं। राहु को सिक्स्थ हाउस में शत्रुहंता माना जाता है, और प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि सिक्स्थ हाउस में जब किसी जातक का राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति को सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में जब राहु बैठता है तो ये अर्थ त्रिकोण में होता है। अब हमारे समाज में जो सफलता का पैमाना है वो है व्यक्ति की आर्थिक सफलता, जितना व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होगा, जितना व्यक्ति दबंग होगा उतना ही किसी व्यक्ति को सफल माना जाता है। तो सिक्स हाउस में राहु आपको आर्थिक सफलता देता है, आपको दबंगाई देता है, तो यहाँ पर राहु आपको सोशली बहुत ज़्यादा सफल बनाने में सक्षम होता है। क्योंकि तो सिक्स हाउस का राहु आपको लिटिगेशन भी देता है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी भर मुकदमे ख़त्म नहीं होते, एक पंगा आज निपटेगा कल को दूसरा शुरू हो जाएगा, ऐसे लोग कभी भी चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकते। सिक्स्थ हाउस में अगर राहु बैठा है तो मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं लीगली कोई डॉक्यूमेंट साइन करने में या
कोई पेपर वर्क करने में चीटिंग का सामना करना पड़ता है, पता चला कोई धोखे से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कर लेगा। तो सिक्स हाउस में राहु बैठा है तो उस चीज़ के लिए थोड़े अवेयर रहिएगा। सेवेंथ हाउस में राहु काम इच्छा का विस्तार कर देता है, इसलिए सेवेंथ हाउस के राहु वालों के अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे जाते हैं। अगर यहाँ पर चंद्र शुक्र या बुध का प्रभाव राहु के साथ में आया तो यह चीज़ अपने आप में कन्फर्म हो जाती है। सेवेंथ हाउस का राहु है तो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफलता देगा। सेवेंथ हाउस में राहु है तो आपको डाइवोर्स तक ले जाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। सेवेंथ हाउस में राहु है तो यहाँ पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनके लीवर से रिलेटेड, उनकी किडनी से रिलेटेड कोई मेजर इश्यू देने में सक्षम होता है। सेवेंथ हाउस में राहु है तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो कई बार बहुत ही कूल माइंड नहीं होता, यानी कि उसके साथ आपको एक पीस ऑफ माइंड वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस का हाउस है, वहाँ पर राहु बैठेगा तो स्पाउस को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी देगा, और आपके तो क्योंकि लगन में केतु बैठ गया, केतु आपको डिटैचमेंट देगा, तो वहाँ पर एकदम अपोजिट हो जाता है। इसलिए 1-7 के राहु केतु को मोस्ट ऑफ द टाइम एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं माना जाता। उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग एकदम एक्स्ट्रोवर्ट लाइफ जी रहे हैं। अगर इंडियंस की बात करें, जैसे कि हम एक सोशल लाइफ में रहते हैं जहाँ पर कि हमारा मानना होता है कि भाई हम एक लड़के से या एक लड़की से शादी करें और उसके साथ ईमानदारी से रहिए, हमारी सोसाइटी में उस तरह के लोगों को अच्छा माना जाता है। वहीं विदेशों में तो ये है कि आज शादी की, 2 महीने बाद डाइवोर्स ले लिया या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले गए, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है सेवेंथ हाउस का राहु, उन लोगों पर क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हमारी सोसाइटी के हिसाब से देखें तो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सेवेंथ का राहु अच्छा नहीं है, किंतु आने वाले 20-30 साल में अगर हम देखते हैं जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है, उस तरह से सेवेंथ हाउस का राहु अपने आप में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, क्योंकि आपको पैसा दे रहा है, आपको काम सुख बढ़ाने की क्षमता दे रहा है। अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को गुण विद्याओं में मास्टर बना देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जिन लोगों के भी अष्टम भाव में राहु हैं, ऐसे लोग तंत्र साधक बन जाते हैं। अगर अष्टम भाव में राहु है, ऐसा व्यक्ति स्वयं से तंत्र साधक नहीं है, स्वयं से किसी ऑक्कल्ट विद्या को नहीं जानता, ज्योतिष को नहीं जानता या कुछ भी गुप्त ज्ञान नहीं जानता, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई अन्य व्यक्ति तंत्र विचार कर देता है। अब अन्य व्यक्ति जब आपके ऊपर तंत्र विचार करेगा, आप उससे पीड़ित होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप तंत्र की जानकारी लेंगे, तो किसी भी तरीके से जोड़े, मगर आपको तंत्र मंत्र ज्योतिष से जोड़ेगा ही जोड़ेगा। अष्टम भाव के राहु वाले अगर तंत्र में सिद्धि प्राप्ति की ओर जाएं तो बहुत तेज़ी से उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और अक्सर जो इन लोगों की साधनाएं होती हैं वो शमशान से रिलेट करने वाली होती हैं, या उग्र साधनाएं अक्सर ये लोग करते हैं। मरण तंत्र का प्रयोग अष्टम भाव के राहु वाले अक्सर करते हुए देखे गए हैं, या फिर उनके ऊपर मरण तंत्र का प्रयोग होते हुए अक्सर देखा गया है। दोनों ही स्थिति हो सकती हैं, डिपेंड करता है सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड, एट हाउस, एट लॉर्ड के प्लेसमेंट्स किस तरह से हैं, लग्न का उनका किस प्रकार से संबंध बन रहा है। अगर लग्न बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो व्यक्ति के ऊपर मारण तंत्र का प्रयोग हो सकता है, और अगर लग्न स्ट्रांग है तो संभावना है कि व्यक्ति स्वयं से मारण तंत्र जानने वाला हो सकता है। नवम भाव का राहु व्यक्ति को धार्मिकता से दूर करने की कोशिश करता है। अब धार्मिकता से दूर करने की कोशिश में कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग रूढ़िवादिता को नहीं मानते, ऐसे लोग आडंबर को नहीं मानते, ऐसे लोग बहुत ही क्लियर माइंड सेट वाले होते हैं कि भाई अगर ईश्वर है तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हो, नहीं तो नहीं हो, यानी कि ऐसा कह सकते हैं वो निराकार को मानने वाले अक्सर होते हैं नाइन्थ हाउस के राहु वाले, या फिर एक नंबर के पाखंडी मिलेंगे, या तो नाइन्थ हाउस के राहु वाले निराकार को मानेंगे या फिर एक नंबर के पाखंडी होंगे। पाखंडी इन द सेंस कि गुरु घंटाल टाइप के बन गए भगत जी, बन गए एक पुजारी,
बन गए एक नंबर के धर्म के ज्ञाता और वास्तव में उनको कुछ नहीं आता, या फिर अगर कुछ आता भी है तो उस ज्ञान का उपयोग वे केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी जेब भरने के लिए करते हैं, अक्सर ये देखा जाता है। तो नाइन्थ हाउस का राहु आध्यात्मिक लोगों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। नाइन्थ हाउस के राहु वाले जातकों की एक समस्या ये भी होती है कि उनको कभी सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारे गुरु का भाव है। गुरु के भाव में अगर राहु बैठेगा तो अक्सर ऐसे लोगों को गुरु घंटाली मिलते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। टेंथ हाउस का राहु प्रशासनिक शक्तियों से जुड़े हुए, प्रशासनिक फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर राहु आपको प्रोफेशनल सक्सेस तो देता ही देता है, आपको नेम फेम बहुत देता है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कुंडली में टेंथ हाउस का राहु उनको हाई लेवल की सक्सेस देने में सक्षम होता है। टेंथ हाउस के राहु वाले जातकों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, मल्टीपल बिजनेस होते हैं, मल्टीपल उनके पास वर्किंग एनवायरनमेंट होते हैं, मल्टीपल उनके पास बिल्डिंग्स होंगी। अगर देखें तो जो भी कुछ उनके पास होगा वो अथाह टाइप में होगा। अगर फैक्ट्री होंगी तो 2-4-6 फैक्ट्री होंगी, और इन लोगों के पास वर्कर्स भी बहुत होते हैं, काम करने वाले, यानी कि नौकर चाकर इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। 11th हाउस का राहु, 11th हाउस का राहु अगर देखें तो व्यक्ति को पैसा बहुत देता है, किंतु जो पैसा आता है अधिकांशतः 2 नंबर की इनकम से आता है, ब्लैक मनी होता है ऐसे लोगों के पास। अगर ब्लैक मनी का कोई फिक्स योग है तो वो 11th हाउस का राहु है। अगर 11th हाउस में राहु बैठा है तो ऐसे जातक के पास कहीं से भी आए, किसी भी तरह से आए, जातक के पास आएगा, जातक के पिता के पास आएगा, जातक की फैमिली में किसी के पास होगा, ब्लैक मनी होगा ही होगा। और ऐसे इंसान के अंदर पैसा कमाने की इच्छा का बहुत ज़्यादा विस्तार कर देगा। ऐसा आदमी कहीं से भी आए, किसी भी माध्यम से आए, सही हो या गलत हो, उसको ये चिंता नहीं होती, मगर उसको पैसा चाहिए। ये 11th हाउस के राहु का एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट मान सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना अच्छी बात है, किंतु कहीं से भी किसी भी तरह से वो अपने आप में गलत है। 12th हाउस का राहु व्यक्ति को विदेश यात्राओं में बहुत ज़्यादा सफलता देता है। अक्सर ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ये विदेश चले जाए तो इनको अपने कर्म में बहुत ज़्यादा विस्तार मिल जाता है, अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। जन्म स्थान छोड़ना अक्सर इन लोगों के लिए अच्छा देखा जाता है। 12th हाउस में राहु हो तो किसी भी प्रकार से आपको विदेश से आमदनी कराने में सक्षम होता है। 12th हाउस में राहु होता है तो व्यक्ति को नेत्र विकार देने में सक्षम होता है। 12th हाउस का राहु आपको गुप्त शत्रु भी देता है। 12th हाउस में अगर राहु बैठा है तो ऐसे लोग अगर अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते तो जिस स्थान पर वो रहेंगे वहाँ पर वे अक्सर अपने दुश्मनों से परेशान रहेंगे। कौन कब कैसे उनको परेशान करने लगे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। 12th हाउस में अगर राहु बैठा है तो ऐसे में कई बार लोगों के साथ स्कैंडल्स हो जाते हैं कि अननेसेसरी कोई उनको फंसा कर चला गया और उनको जेल जाना पड़ रहा है, लीगल डिस्प्यूट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया। तो इस तरह की नेचर 12th हाउस का राहु जैसा है। 12th हाउस के राहु की अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो ये आपको आध्यात्मिक उन्नति देने में भी सक्षम होता है, क्योंकि 12th हाउस हाई लेवल के स्पिरिचुअलिटी का भाव है और राहु वहाँ पर विस्तार कर देता है। किंतु ये उन्हीं केसेस में अक्सर देखा गया है जबकि 9th हाउस स्ट्रांग हो, गुरु स्ट्रांग हो। अदरवाइज 12th हाउस का राहु व्यक्ति को संसारिक पचड़ों में इतना ज़्यादा फंसा कर रखता है कि व्यक्ति आध्यात्म की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता जितना कि देना चाहिए। तो इस तरह से जन्म कुंडली के किस भाव में राहु बैठा है इसके अनुसार हम व्यक्ति को किस प्रकार का अपने जीवन में फल मिलने वाला ही है जान सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।